सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में जो रिएक्शन है वो मुफाड़ के गाने पर, और इस गाने का जो नाम है वो गुड मॉर्निंग है। और थंबनेल को देखो, कार्टून थंबनेल काफी फनी सा लग रहा है, और गाने को सुनने में काफी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मजा आने वाला है, क्योंकि थंबनेल इतना फनी सा लग रहा है तो गाने के अंदर क्या कुछ होगा। तो चलिए पहले गाने को देख लेते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। जिंदगी हवा में ना फालतू के ड्रामे, रोज उठूं फ्रेश मैं जब टूटते ही सामने। जिंदगी हवा में ना फालतू के ड्रामे, रोज उठूं फ्रेश मैं जब टूटते ही सामने। तू मेरा जॉइंट है, ऑन पॉइंट है, तू मेरा जॉइंट है, ऑन पॉइंट है। धीमा धीमा सा चले ये म्यूजिक, और तेरी मेरी बातें चले, सब कुछ तेरे लिए एक्सक्लूसिव। दिल चटका के मेरा कहाँ चले, तू मेरी मुझ पे ही करती है कैसा सितम। फिर भी क्यों बातें ये शुरू तुझ से ही तुझ पे खत्म। चढ़िया जदों दा दिन सोती जावा तेरे बारे, मैं कर दाऊ वतन ते तू कर दिया इशारे। चढ़िया जदों दा दिन सोती जावा तेरे बारे, मैं कर दाऊ वतन ते तू कर दिया इशारे। जिंदगी हवा में ना फालतू के ड्रामे, रोज उठूं फ्रेश मैं जब टूटते ही सामने। जिंदगी हवा में ना फालतू के ड्रामे, रोज उठूं फ्रेश मैं जब टूटते ही सामने। करते हम तो हाँ मिलाते हमें, अब तुझसे ही ये दिन ढले और तुझसे मेरी शामें। माशाल्लाह क्या बनाया चेहरा तेरा उस खुदा ने, के खास कुछ लगे मुझे नया सा हर सुबह में। लाल मुँह है कर लिया ये हम तो रोके बैठे सांसे, हम मिलेंगे वहीं बैठे हमको छोड़ोगे जहाँ पे। चलते आगे आगे हो तो हम भी पीछे पीछे भागे, खींच लेते हो जमीन तुम तो नीचे से हमारे। चलते आगे आगे हो तो हम भी पीछे पीछे भागे, खींच लेते हो जमीन तुम तो नीचे से हमारे। छोड़ तारे आंखों से के हमको वश में करना चाहे, हम तो मेल्ट हो गए हैं जब से तुम पे है निगाहें। छोड़ तारे आंखों से के हमको वश में करना चाहे, हम तो मेल्ट हो गए हैं जब से तुम पे है निगाहें। चढ़िया जदों दा दिन सोती जावा तेरे बारे, मैं कर दाऊ वतन ते तू कर दिया इशारे। चढ़िया जदों दा दिन सोती जावा तेरे बारे, मैं कर दाऊ वतन ते तू कर दिया इशारे। मैंने मुफाड़ को ऐसी वाइब में ऐसे लिरिक्स के साथ जो है कभी नहीं सुना। फर्स्ट टाइम मैंने उनका इस तरह का ट्रैक सुनाया, तो ये ट्रैक जो है काफ़ी अच्छा लगा। यानी ऐसा ये ट्रैक था इंजॉइंग वाला, और जिस तरह से इस गाने के जो लिरिक्स थे वो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो बोल सकते हैं ये गाना जो है ऐसा लग रहा था, पहले तो मुझे ये गाना लगा कि जिंदगी के ऊपर गाना है, पर उठते ही जब वो देखते ना वो बोलते तू मेरे सामने आ जाती है, तो सच में ये गाना जो है हार्ट टचिंग ट्रैक था, तो ये गाना काफी अच्छा लगा। अगर इस गाने के म्यूजिक और बीट्स की बात करो और लिरिक्स की बात करो, और लिरिक्स के साथ साथ जो है क्यूटनेस थी वो काफी अच्छी लग रही थी इस गाने में। और फर्स्ट टाइम मुफाड़ का इस तरह का ट्रैक सुनाया तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं मुफाड़ को सुन रही हूँ, क्योंकि आवाज ही बिल्कुल ही अलग लग रही थी। जैसे कि वो अपनी आवाज जो है एक अलग ही टोन के साथ लेकर आते हैं, और इस गाने में उनकी एक क्यूटनेस वाली और एक लव केयरिंग वाली जो वाइब थी वो काफी अच्छी लग रही थी, और इसी तरह के लिरिक्स थे। और मुफाड़ ने कैप्शन में लिखा भी है कि ये जो गाना है वो फ्री स्टाइल है, तो फ्री स्टाइल का तो पता नहीं, पर ये जो ट्रैक था वो मुझे काफी अच्छा लगा। जिस तरह से इस गाने के लिरिक्स थे वो काफी अच्छे लगे, और साथ ही साथ अगर ये गाना जो वीडियो में आया तो इस गाने का बिल्कुल ही दुगना मजा आने वाला है, क्योंकि जब हम लिरिक्स सुनते हैं तो उसका एक थॉट रखते हैं कि हाँ हाँ ये सब चीजें होने वाली है। मुफाड़ उनके बोलते ना, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो वो थॉट जो है हमारा वीडियो के थ्रू जब हमें देखने को मिलता है तो उसका एक अलग ही मजा होता है, उसकी एक अलग ही वाइब होती है। अगर ये गाना वीडियो में आएगा तो और भी ज्यादा सच में ही दोगुना मजा आने वाला है। सो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन, और आप बताइए आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक के लिए आपको मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड टेक केयर।